सो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मेरा नाम है लवनीश चौहान और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ रेनॉल्ट की बहुत ही बढ़िया गाड़ी। एसयूवी सेगमेंट की एक गाड़ी है, बहुत ही प्यारी गाड़ी है। अच्छी एवरेज इस गाड़ी की होती है और लॉन्ग रनिंग के लिए बहुत ही बढ़िया ये गाड़ी मानी जाती है। तो चलिए करते हैं वीडियो को शुरू। सबसे पहले गाड़ी के देखिए आप ओवरव्यू, फिर करेंगे हम गाड़ी के डिटेल्स और प्राइस की बात। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। जी हाँ दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ रेनॉल्ट की डस्टर गाड़ी। बहुत ही बढ़िया कंडीशन में ये गाड़ी। तो चलिए करते हैं इसके बॉडी लाइन को चेक। सबसे पहले हम चेक करेंगे इस डोर से, स्टार्ट करते हैं। डोर इसका एकदम ओके है, सील बनी हुई है, एकदम परफेक्ट है। ये रहा इसका पिलर, वो भी एकदम ओके है, उसके पंचेस भी। अब हम चेक करते हैं सेम ऐसे इसका सेकेंड डोर भी गाड़ी का। अगर आप देखें तो इसकी भी सील एकदम ओके है, ये भी एकदम कंपनी फिटेड है। अगर इसके आप ये चेक करेंगे पिलर्स, ये भी एकदम ओके है। अब हम चलते हैं गाड़ी के बैक साइड पे। अब मैं ओपन करता हूँ इसकी डिग्गी। तो ये होगी इसकी डिग्गी ओपन। डिग्गी की अगर आप सील चेक करेंगे तो सील इसकी भी एकदम ओके है। अब मैं चेक करता हूँ इसके बोल्ट्स। जी हाँ, इसके जो डिग्गी के बोल्ट्स हैं वो भी एकदम ओके हैं, किस तरह का कोई चाबी पाने का निशान नहीं है। अब मैं करता हूँ डिग्गी को बंद। अब मैं दिखाता हूँ आपको लेफ़्ट साइड के दोनों दरवाजे। ये कर दिया मैंने रियर डोर ओपन और इसमें अगर आप देखेंगे तो इसकी भी सील एकदम ओके है। इसके पिलर्स हैं, ये पिलर भी एकदम ओके है गाड़ी का। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो किस तरह कोई रिवर्क नहीं है। ये देखिए पिलर इसका भी एकदम ओके है गाड़ी का। अब मैं ऐसे चेक करता हूँ दूसरे वाला पिलर और डोर भी। ये देखिए ये वाला डोर भी इसका गाड़ी का एकदम ओके है, इस तरह कोई रिवर्क नहीं है। ये देखिए तो गाड़ी का बोनट मैंने ओपन कर दिया है। तो अब चेक करते हैं किस तरह कोई निशान तो नहीं है इसके बोल्ट्स पे। नहीं, किस तरह कोई निशान नहीं है। सील्ड एकदम सील है गाड़ी की। ये अभी नहीं कुछ हो रखा गाड़ी को, कोई रिवर्क नहीं है। एपरेंस मैं चेक करवाऊँ आपको तो ये देखिए दोनों एपरेंस एकदम ओके हैं गाड़ी के। इंजन वाइज गाड़ी एकदम ओके है, नीट एंड क्लीन कार है एकदम। दोस्तों ये जो डस्टर गाड़ी है ये मार्केट में टू टाइप्स के इंजन वेरिएंट्स के साथ आती है। इसमें आपने अक्सर लोगों को बात करते हुए सुना होगा, कोई इसमें कहता है कि 85 PS, 110 PS। तो मैं आपको बताता हूँ 85 PS और 110 PS का एक्चुअल मीनिंग होता क्या है। 85 PS और 110 PS जो इसमें लोग कहते हैं ये इसकी इंजन कैपेसिटीज़ होती हैं। जो 85 PS है वो अपना 84 BHP की पावर प्रोड्यूस करता है और जो अपना 110 है वो 108 BHP की पावर प्रोड्यूस करता है। जो इनमें ये पावर प्रोड्यूस का जो डिफरेंस आता है ये आता है टर्बो की वजह से। जो आपका 110 PS का इंजन है वो एक्चुअल में टर्बो इंजन होता है, जिस करके वो जो पावर है वो ज़्यादा जनरेट करता है और इससे जो गाड़ी की एवरेज है उस पर बहुत ही फ़र्क पड़ता है। जो 85 PS की गाड़ी की एवरेज है वो आपको नियर अबाउट 20 km/L के आसपास मिल जाती है, लेकिन जो 110 PS है वो आपको टर्बो के साथ मिल रहा है, जिस करके जो उसकी एवरेज है वो नियर अबाउट 17-18 के आसपास आ जाती है। तो बेसिकली जो 110 PS पावर जो प्रोड्यूस करता है वो एक्चुअल में हाई परफॉर्मेंस इंजन होता है और उसकी जो पावर होती है वो ज़्यादा होती है। तो चलिए दोस्तों अब करते हैं गाड़ी की डिटेल की बात। गाड़ी अपनी रेनॉल्ट डस्टर ये 110 PS में आती है। RXL इसका वेरियंट है, सेकेंड ओनर है, चंडीगढ़ का लोकल नंबर है। गाड़ी जो चली है नियर अबाउट 75,000 के आसपास चली हुई है। बढ़िया वेल मेंटेन्ड गाड़ी है, सेकेंड ओनर जैसे मैंने आपको बताया है। तो अब करते हैं गाड़ी के रेट की बात। गाड़ी का जो रेट है
मार्केट में बड़े अलग अलग तरीके से इसका रेट जो है कोट किया जाता है, पर मैं यह गाड़ी आपको दे दूंगा सिर्फ़ और सिर्फ 4,10,000 रुपए की। जी हाँ दोस्तों, आपको ये गाड़ी मैं दे दूंगा 4,10,000 की। बाकी मेरी तरफ़ से जो भी इसमें मानदान हो पाएगा वो मैं आपको इस गाड़ी को लेकर ज़रूर करूंगा। जब आप ऑन टेबल आएंगे, गाड़ी देखेंगे, जितना भी मेरी तरफ़ से रिगार्ड हो सकता है इस गाड़ी को लेकर वो मैं आपके लिए ज़रूर करूंगा। तो चलिए वीडियो को करते अब यहीं पे ख़त्म। मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में किसी और बहुत ही बढ़िया गाड़ी के साथ। तो चलिए मिलते हैं अब आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए शुक्रिया और वीडियो को करना सब्सक्राइब।